नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। एनएचआई डीसीएल को खांडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी द्वारा डोनीपावा अनंतनाग से वैल्यू तक 28 किलोमीटर लंबा राजमार्ग आवंटित किया गया था। स्थानीय कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में हाईवे पर काम शुरू किया था। दर्जनों छोटे बड़े पुल भी हाईवे पर बने हैं। कलवट निर्माण के लिए सिंचाई विभाग और बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र की खांडे अधोसंरचना अभी भी कार्य कर रही है, जो उल्लंघन है। वहीं कई जगह कंपनी में तैनात इंजीनियर भी काम पूरा करने में विफल हो रहे हैं। आज सिंचाई विभाग के जेई अरशद अहमद के साथ उनके कर्मचारियों ने उस समय काम बंद कर दिया जब वे अपनी इच्छा के अनुसार केलवेट पर काम कर रहे थे, जिसके जमींदारों को पानी उपलब्ध कराने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इस मौके पर खांडे कंपनी के सिंचाई कर्मचारियों और कर्मचारियों ने गाली गलौज कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर काम बंद करने को मजबूर कर दिया। इस बीच जेई सिंचाई अरशद अहमद ने कहा कि खांडे कंपनी इस हाईवे को तय समय में पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी कमियों को खांडे के प्रति तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी में तैनात इंजीनियर सड़क से निकलने वाले मलबे को सिंचाई नहर की ओर रख रहे हैं, जिससे किसानों की जमीन सिंचित होने की बजाय बंजर हो रही है। हमने इनको बताया था कि कैसे कलवट बनाना है, कैसे बेड लेवल मेंटेन करना है, इरिगेशन कैनाल का, लेकिन खांडे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उन्होंने हर जगह डिस्टर्ब कर रखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हम टेम्पोररी बना के देंगे, वो भी नहीं बना के देते हैं। अब ये कुकरना का एक पीछीदा मसला है, क्योंकि ये कलवट जो बन रहा है ना, इसकी तो लेवल इन्होंने 1.5 मीटर गहरा कर दी, हमारी बेड लेवल से नीचे गए ये। अब इनको हम कह रहे हैं कि बेड लेवल वापस करके दे दो, ताकि हमारा फ्लो चलेगा स्मूथली और वो जमींदारों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये अपनी ही मनमानी कर करके रात में कंक्रीट की गाड़ियां लाकर इसमें डालते हैं, हमसे पूछे बगैर। कोई NOC नहीं है इनको, MOU तो वो तो साइन नहीं हुआ है, और हमारा ये इसमें जो लादस है वो हमारी ही है, क्योंकि जब बीकन ने ये जमीन ली थी तब भी हमारे को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। अब हम इनको बिल्कुल सीजन स्टार्ट हुआ है, हम कोई आप लीनेंसी नहीं देंगे इनको, क्योंकि हमको पीछे से ही ऑर्डर है, क्योंकि जमींदारों को पानी देना ही देना है। तो आप कहते हैं वो मुतासर होगा, जरूर होगा, लेकिन डिपार्टमेंट अगर ये नहीं करेंगे, SDM साहब ने भी इनको इंस्ट्रक्शन दी, DC साहब ने भी इनको इंस्ट्रक्शन दी कि जो इरिगेशन वाले कह रहे इनके मुताबिक काम करो, जहां जहां इफेक्ट हुआ तो वहां टेम्पररी कर दो, परमानेंट छोड़ो अभी, लेकिन टेम्पररी करके दे दो, पानी चला के दे दो, लेकिन ये तस से मस नहीं हो रहे खांडे वाले। तो क्या कहना चाहते आप? अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो अपनी तरह से बिल्कुल टाइटन नहीं करेंगे, काम नहीं होने देंगे। जहां जहां इफेक्ट हो रहा है, जहां जहां डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा पूरा मशीनरी ऑन फुट है, तो आप देख रहे हो जैसे कि यहां हम पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए, मैं साइट पर था, तुरंत मैं यहां आ गया और इनको बराई करने के लिए कह दिया। अगर ये बराई नहीं करेंगे तो मैं अपना GCP लाकर डिपार्टमेंट का इनको ये तोड़ दूंगा और पानी